दोस्तों अगर मैं सैमसंग के महंगे फ्लैगशिप फोन्स को छोड़ दूं ना तो लगभग सभी फोन्स के अंदर आपको एक्सिनोस प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। हाँ, हालांकि बीच बीच में एक हाथ कोई फोन मीडियाटेक या फिर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के किसी पुराने चिपसेट के साथ देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द फोन्स आर मेड ऑफ एक्सिनोस। और कभी ऐसा सोचा कि मार्केट में जब एक्सिनोस की रेपुटेशन इतनी खराब है, हीटिंग के लिए बदनाम है, एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करते, फिर भी सैमसंग हमेशा अपने हर दूसरे फोन के अंदर सिर्फ एक्सिनोस ही डालकर देता है। और आप खुद सोचिए कि अगर एक्सिनोस वाकई में इतना अच्छा होता तो सैमसंग अपने सबसे महंगे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन के अंदर स्नैपड्रैगन के साथ पार्टनरशिप करके स्पेशल चिप नहीं यूज करता, वो यहाँ पे अपना एक्सिनोस ही यूज करता। तो आखिर एक्सिनोस को क्यों यूज करता है, क्या सैमसंग की स्ट्रेटजी चल रही है और क्या चल रहा है पूरे मार्केट के अंदर, इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस के बीच सिंपल सा डिफरेंस है कि स्नैपड्रैगन को कॉलकॉम बनाता है, एक्सिनोस को सैमसंग बनाता है। और सैमसंग देखा तो दुनिया की उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो खुद की चिप डिजाइन और फैब्रिकेट दोनों कर सकते हैं। जबकि बात करें कॉलकॉम या एनवीडिया मीडियाटेक की, ये फैबलेस कंपनीज है, ये वो कंपनीज है जो चिप को डिजाइन करती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट देते किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर को जो उनके लिए चिप फैब्रिकेट करता है, जिसमें से एक वेंडर एक जमाने में सैमसंग भी हुआ करता था। और आपको पता है जिस समय सैमसंग ने स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाए थे तब उन प्रोसेसर के अंदर भी हीटिंग आई थी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 काफी पॉपुलर एग्जांपल है इधर। और देखा जाए तो उस जमाने से ब्लेम लगने लगा सैमसंग की फाउंड्रीज को, क्योंकि सैमसंग की फाउंड्रीज उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जहां पर वो बेटर यील्ड दे सके, जिसके अंदर आपको बेटर चिप मिलेगी जिसमें परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और थर्मल सब बेटर होंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार सैमसंग की फाउंड्री से चिप्स निकल रही हैं, उनके अंदर एक काफी ज्यादा इश्यूज है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि सैमसंग ऐसा नहीं कि ऐसे पूरा प्रोसेसर बनाती है, ये कई सारे चिप बनाती है, मेमोरी मॉड्यूल होते हैं, रैम स्टोरेज के मॉड्यूल्स, ये सब भी फैब्रिकेट करते हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल उनके इस बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि कई सारी कंपनीज ने बैक एंड में सैमसंग से जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते थे, एक जमाने में लीडर हुआ करता था, वो लेना अब कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि सैमसंग का फाउंड्री बिजनेस अब थोड़ा लॉस में भी जा रहा है। और सैमसंग थोड़ा प्लान कर रहा है कि अपने चिप बिजनेस और फाउंड्री बिजनेस को एक कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं आपस में। वेल, उनके अपने डिसीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना चाहूंगा कि सैमसंग को दो टाइप के चिप्स सिर्फ इसलिए यूज करती थी क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक बेटर चिप है और एक बेटर परफॉर्मेंस वाले डिवाइस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं और अपने प्रीमियम डिवाइस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए स्नैपड्रैगन देते हैं। लेकिन जब एक्सिनोस की बारी आती है तो मेन रीजन इधर रहता है कॉस्ट कटिंग करना, यानी कि सैमसंग को पता है कि उसका फोन वॉल्यूम में बिकेगा और पर यूनिट पे अगर वो थोड़ा पैसा भी बना लेंगे तो थोड़ा कर करके बहुत सारा पैसा वो बचा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन कर सकते हैं। यानी कि सैमसंग उन कंपनीज में से कुछ एक तरह से वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, खुद का मोबाइल फोन तो बना रहे हैं लेकिन चिप भी डिजाइन कर सकते हैं, उसे फैब्रिकेट भी कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट भी सेव रहेगी और ओवरऑल क्वालिटी भी यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन देखा तो यहीं पे छोटी सी एक मिसफायर हो गई। देखो, सैमसंग के फोन के ऊपर जो सबसे बड़ा फोकस उनकी मार्केटिंग में किया जाता था उनके डिस्प्लेस के ऊपर किया जाता था, क्योंकि सैमसंग एमोलेड में लीडर था इसलिए एमोलेड को प्रमोट करते थे। सैमसंग अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी जो सेफ्टी रहती है उसके लिए भी जाना जाता है, क्योंकि नोट 7 के बाद उन्होंने अपनी पूरी बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस करे और एडवांस और सेफ बैटरीज बनाई। इसके साथ ही कैमरास के लिए जाना जाता था, इन तीनों चीजों पे फोकस था। और सैमसंग ने कभी भी एक प्रोसेसर परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, और इवन सैमसंग ने अपने फोन्स को कभी भी बेस्ट पॉसिबल फोन्स फॉर गेमिंग के लिए भी प्रमोट नहीं किया। ये एक सिंपल सी चीज है क्योंकि फोन के अंदर चिप्स इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जिससे वो बेटर गेमिंग का एक्सपीरियंस दे पाए। वेल, अगेन ये बात मैं उन फोन्स की कर रहा हूं जो फ्लैगशिप नहीं है, फ्लैगशिप या जितने भी दूसरे फोन आते हैं कॉम्पिटिशन में स्नैपड्रैगन के चिप्स और मीडियाटेक के ऐसे चिप्स वाले फोन है जिनके अंदर आपको बेटर पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी इधर ये है कि जहाँ मार्केट में धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा वहाँ पे बेटर प्रोडक्ट्स आने लगे, और इसी मामले में जो सैमसंग है वो धीरे धीरे रेस को लूज करने लगा। और ये सैमसंग के लिए खतरनाक वाली बात है क्योंकि जहाँ कॉम्पिटिशन में आज के समय में आपको नई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आ रही है फोन के अंदर, जिसका बेनिफिट ये कि फोन स्लिम हो रहा है, ज्यादा बैटरी का बैकअप ले रहा है और ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये एक एडवांटेज मिल रहा है। इसके साथ ही आपको ये बता सकता हूँ, जहाँ सैमसंग पहले वर्ल्ड लीडर हुआ करता था एमोलेड डिस्प्लेज में, जब से ग्रीन लाइन के इश्यूज आए सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे सैमसंग के E4 एमोलेड डिस्प्लेज में। यस, ये डिस्प्ले पैनल जिन जिन फोन में यूज किया गया था ऑलमोस्ट सभी के अंदर ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम आई थी, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिसके कारण कई सारी कंपनीज ने अदर वेंडर्स के पास जाना शुरू किया जहाँ पे उन्हें बेटर और सस्ते ऑप्शन देखने को मिलने लगे। और अदर वेंडर्स देखा जाए तो BOE है, विजनॉक्स है, ये थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, B2B काम करते हैं। लेकिन हाँ, जब से कंपनी इन दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर के पास गई पैनल्स लेने लगी तो उनको बेटर क्वालिटी के पैनल मिलने लगे, फ्लेक्सिबल एमोलेड मिलने लगा सस्ते में, LTPO मिलने लगा जिसको इंटीग्रेट करती मोबाइल फोन के अंदर वो सस्ते में एक बेटर डिस्प्ले दे पा रहे हैं, एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज करके बड़ी बैटरी भी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, उनके पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के नए चिप्स है जो TSMC के फाउंड्री के ऊपर बेस्ड है, जहां से एफिशिएंसी भी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी मिल रही है। इन सब के कारण मोबाइल फोन दूसरे कॉम्पिटिशन के बेटर लगातार होते चले गए। ये एक सबसे
सबसे बड़ी बात है। और देखा जाए तो सैमसंग यहाँ पे सिर्फ मार्केट में सिर्फ इसीलिए टिका है क्योंकि ये लगातार मोबाइल फोन को लॉन्चेस करता जाता है, वॉल्यूम में खेलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, और आज के समय में ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब यूजर्स इसके हैबिचुअल होते चले जाएंगे और उन्हें जब पता लगे कि बाहर दूसरी जगह आपको बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होता है लॉन्ग रन में सैमसंग की सेल्स के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, आज के जमाने में कंज्यूमर काफी स्मार्ट हो गया। आज के जमाने में सच बात यह कि लोग अपना चौथा पांचवा फोन यहाँ पे लेने वाले हैं और उनको एक्सपेक्टेशन सेट है कि मेरे को इस लेवल का कैमरा चाहिए, गेमिंग करनी है तो मेरे को इतना FPS ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, कैमरा होता है तो ऐसा है, बैटरी होती है तो ऐसी, फास्ट चार्जिंग होती है तो ऐसी, और इवन सॉफ्टवेयर को लेकर भी लोग क्लियर है। मतलब कि लोग आज के समय में उन फोन्स को रिजेक्ट करने लगे जिनके अंदर कोई दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता। कई लोगों को इन्फिनिक्स का XOS पसंद नहीं आ रहा, किसी को Xiaomi का HyperOS पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे हो गया। और देखा तो इसी एक्सपीरियंस के अंदर सैमसंग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होता चले जा रहा है, पर सैमसंग को ये चीज यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। और वन ऑफ द की थिंग जिनसे सैमसंग यहाँ पे आगे निकल सकते हैं वो होते हैं उसके प्रोसेसर। अगर सैमसंग अपने प्रीमियम फोन के अंदर अच्छे प्रोसेसर यूज करने लगे, Qualcomm Snapdragon की 7 Gen सीरीज काफी अच्छी है, MediaTek की Dimensity सीरीज के फोन्स काफी अच्छे हैं, अगर वो इन सब के अंदर अगर आ गए तो सैमसंग काफी ज्यादा कमाल कर सकता है। और इवन कैमरा सेंसर में भी जहां सैमसंग काफी ज्यादा एडवांस हुआ करता था, आज के समय में सोनी ज्यादा बेटर सेंसर बना रहा है, और हां सोनी के सेंसर के साथ बेटर एल्गोरिथम के साथ आपको बेटर रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इवन सैमसंग के पास एक और सबसे बड़ा हथियार था, उसका सॉफ्टवेयर वन UI काफी अच्छा हुआ करता था, आज भी मैं मानता हूं काफी अच्छा, काफी फीचर रिच है। वन UI 7 में थोड़े हिकअप्स है, थोड़े बग्स की दिक्कत है, अपडेट में डिले हुए, वो एक अलग चीज है जिसे सैमसंग धीरे धीरे फिक्स करेगा। लेकिन कॉम्पिटिशन में भी फोन सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रॉमिस कर रहे हैं। तो देखा तो सैमसंग के पास जो एडवांटेज है ट्रेडिशनल एडवांटेज वो अब उसके पास रही नहीं, और ये सबसे बड़ा खतरा सैमसंग के लिए बन सकता है। अगर सैमसंग को मार्केट में टिके रहना है ना, तो सबसे पहले तो वर्स्ट प्रोसेसर जो एक्सिनोस वाली प्रॉब्लम है उसे फिक्स करे, या फिर एक्सिनोस प्रोसेसर को बेटर करे, या फिर कुछ समय के लिए मार्केट में स्नैपड्रैगन वाले फोन्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दे, MediaTek के साथ काम करना शुरू कर दे, जिस कारण से एक बेटर कॉम्पिटिटिव डिवाइस यहाँ बनेगा। क्योंकि आज के समय में सैमसंग की अगर मैं एस सीरीज को छोड़ दूं ना, तो फोन्स इनके इतने ज्यादा मुझे पसंद नहीं आते, चाहे बात करें ए सीरीज की या एम सीरीज की, अब वो जमाना यहाँ पे रहा नहीं। हालांकि ये लोग AI के दम पे, दूसरी चीजों के दम पे, सॉफ्टवेयर के फीचर के दम पे खेलते रहते, लेकिन वो भी आने वाले समय में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी कंपनीज भी वैसे फीचर्स को यहाँ पे बिल्ट इन करने लगेगी। एक डेफिनेटली एक अलार्मिंग बेल है सैमसंग के लिए जो इस साल में प्रेडिक्ट करो, अगर ये चीज सैमसंग अब फॉलो नहीं करेगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट को बेटर नहीं करेगा। आप मेरी बात मान के रखिए, आने वाले एक साल के अंदर उसके मार्केट शेयर में ड्रॉप आने लगेगा, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी अपनी सेल्स के अंदर प्ले टू कर चुका है और अब मार्केट में कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो रही है। डेफिनेटली एक टाइम है सैमसंग को मिड रेंज वाला जो पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे बदलने की जरूरत है। आप मेरी बात से एग्री डिसएग्री जो करना चाहे कर सकते हो, लेकिन सच बात तो यार, और सैमसंग को देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस ना करते हुए ज्यादा बेटर प्रोडक्ट और बेटर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करे तो बेटर चीज चलेगी। देखते हैं यहाँ पे आगे चल के सैमसंग वगैरह की कहानी क्या रहती है। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू अपने फ्रेंड के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।